मैंने कहा छोड़ दो मुझे। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था? और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, खुशी, खुशी, हेलो, कहाँ खुशी खुशी चिल्ला रहा हो? कौन है खुशी? कुछ ना पापा, यार बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है आज। तो चुप कर ले यार, थूत में से रेवट मारूंगा, खुशी की जगह दुखी हो जाएगा। ठीक है पापा, कर रहा हूँ। अरे चुप हो जा के, तू कैसे सुबह सुबह चिल्ला रहा? भाई खुशी को ब्याह करवा दिया यार। किसने करवा दिया? वहाँ के पापा ने। हम अपनी मम्मी की बात मानते रह गए, वहाँ के पापा ने लौंडा ढूंढ के वहाँ का ब्याह करवा दिया। कब करवा दिया? भाई मैंने अभी अभी सपने में देखा। सपने में? ऐसा तेरा ब्याह भी रोज सपने में हो? होगा अभी तक सपने में करवा दिया। भाई मुआ की याद आ रही है, एक बार मौज मिलवा ला। चल बाद में मिले जाके। भाई ना मेरा अभी मिलवा ला यार, मुआ की याद आ रही है। कैसे अभी मिलेगा? भाई सुबह 4 बजे का सपना है यार, कहाँ पता सच होगा, मुआ की विदाई हो जाएगी। इधर ना हो रही विदाई, सो जा चुप। भाई मिलवा ला यार। क्या सुबह सुबह मिलेगा? हाँ चल, पहले तू ही मिलवा के ला। अरे अब कहाँ चलती है? कहीं नहीं पापा, स्कूल तक जा रहे हैं। स्कूल में कहाँ करने जा रहे हो? पापा बहसन की फाइल में ना हूँ, क्या नाम है, निहार, स्कूल में निहार करने फाइल लेने जा रहे हैं स्कूल में। चुप जाके निहार कर लो, भैंस भूखी बैठी है। लेकिन पापा स्कूल में वजीफा भी तो बट रहा, वो भी तो लेने जाना। और खुली ना ढंग से, वजीफा लेने जा रहे हैं। स्कूल के बहाने मारते मारते पूरी साल होगी था मैं। चल भी तेरे को। चल कहा चल? इन भैसन के चक्कर में यार पूरी पढ़ाई रहेगी, मेरा ब्याह भी रह जाएगा, तू चल मेरी गैल। पापा हम आगे काम करेंगे, बजी भले ना जाना, बहुत जरूरी है वो। जी चल। बच गए पापा, तो बच गए। हाँ यार, इनके भैंसन यार में लगे रहे, हमारी भी अपनी जिंदगी है कुछ। हाँ यार, अब तो एक काम कर, फटाफट मस्तानी फोन कर ले, भाभी गैल ले चल रहे। हाँ भैया। चाची नमस्ते। चाची नहीं, हम बोल रहे मस्तानी है। तो तेरी आवाज लौंडिया जैसे कैसे आ रही है? कछु नहीं भैया, गलो बैठ गो हम आओ। तो एक काम कर, खड़ा कर ले यार। नू बता कहाँ है तू? हम तो घर ही है भैया। फिरी है? नहीं भैया फिरी नहीं है, हम बहुत बिजी हैं यार। बिजी है? तेरा क्यों मजाक कर रहा है यार? भैया मजाक हम कर रहे कि तुम कर रहे हो? हम तो फ्री रात में 24 घंटा। चल ठीक है, आ रहे हम घर के बाहर मिल। तू आ जाओ घर ही है हम। ठीक है आ जा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे उठ गए बाबूजी, उठते ही चल दिए हंड में। हाँ आ रहे अभी। अरे भेजूं अभी? चुप भीतर चल लो। मेरा बाल तोड़ोगा, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। कहाँ हो रहा बाल तोड़, दिखा। मैं तो दिखा रहा हूँ शर्म आवे। जितने ये बहाने बनाए जा रहे हैं ना, कई दिन इतना मारूंगी सारे बहाने भूल जाओगे। भीतर चलो। बोलना। हाँ तो तुम भी तो घूम के आ रही हो। घूम के आ रही हूँ मैं? एक कुत्ते मंदिर गई मैं, तुम दोनों को भगवान से बुद्धि मांगने। इतने दिन से भगवान से बुद्धि मांग रही हो, मिली ना? मिली ना, तू बता मिली? अरे ना मिली, माँ कसम ना मिली। एक बार भगवान के देख लो, कहाँ पता मिल जावे, दोनों लौंडों का ब्याह हो जाएगा। हक्के धोनी ना आती, बहू चाहिए ने। अरे चलो हटो यार, मेरे बाल तोड़ में दर्द हो रहा, चलियो। बेटा जितनी मन मर्जी चल रही है ना, चला लो, लौट के तो घर ही आओगे। तुम्हारे बाल तोड़न में ऐसा फोड़ूंगी ना। वैसे यार खुशी ना मिली तो मूड तो खराब है, पर हाँ प्रोमो पे पूरा मजा आ रहा हूँ। कैसे? मैं अपनी नॉलेज का यूज करके पैसा कमा रहा हूँ। वैसे प्रोवो है कहा? प्रोवो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ मैं तू सिर्फ हाँ या ना का जवाब देकर आसानी से पैसा कमा सके। वो कैसे? देख जैसे WTC के मैच में एक सवाल आ कि स्टीवन स्मिथ 50 रन से ज्यादा मारेगा, मैंने यस कर दिया, वो ना 100 रन मार दिए और फिर हुआ लाखों का प्रॉफिट। बहुत सही बेटे। भाई प्रोवो पे कई तरीके कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोवो पे ओपिनियन देकर पैसा कमा रहे हैं।
देख जैसे अभी तमिलनाडु लीग चल रही है वहाँ में एक क्वेश्चन है कि क्या चेपुक टीएनपीएल 2023 का टाइटल जीतेगी, तो बता दो क्या लगा है। हाँ भाई जीतेगी, बढ़िया टीम है यार वो तो। देख मैंने यस सेलेक्ट कर दिया और क्वांटिटी सेलेक्ट से इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अपना जवाब दिया, अगर मेरा जवाब सही हुआ तो हम जीतेंगे रियल कैश। पैसे निकलेंगे कैसे? तू गूगल पे पेटीएम यूपीआई की मदद से कभी भी अनलिमिटेड विड्रॉल कर सके और मैच के दौरान अलग अलग सवालों पे हाँ ना में जवाब देके इंस्टेंट पैसा कमा सके। बेटा पहले ना बताई तो अब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, मेरे लिंक से डाउनलोड करेगा तो 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, समझ गा। चलो मेरे बाबू से मिलकर आ रहे, चल मस्तानी मस्तानी ओ मस्तानी मस्तानी मस्तानी। हाँ भैया बताओ। ना तेरी पीपली ठीक ना हुई अभी तक? कहा होगा तो कच्ची नहीं भैया, कल हमने कच्ची बर्फ को गोला खा लो तो गलो बैठ गो। तुम बताओ क्या काम है? मैं तो जा रहा हूँ अपनी बाबू से मिलने, तू चलेगा? हाँ चल तो नहीं है, लेकिन कौन सी वाली से मिलने जा रहे? रे एक ही तो बाबू है मेरी। लेकिन भैया उनके घर है कैसे जाए? मो ना पता कुछ भी, पर मैं आज जाऊंगा, मो आके याद आ रही है। पर भैया जयो कैसे? अरे कर लेंगे ना कुछ जुगाड़। बताओ तो सही, हम बताओ जुगाड़। अरे देख लेंगे ना कोई बहाना। ठीक है भैया, पर मेरे घर कड़ी बनी, कड़ी खाके चले। तुम खाओ तो बताओ। कड़ी 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 कड़ी। अरे अरे भैया बताओ सही। अरे रुको जा यार। आंटी आंटी जी आंटी। कौन है? अरे बेटा तुम? आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाची पाए छो रहे? पाए छो रहे मतलब? अरे तुम्हें पाए छो रहे नहीं पता? अरे आंटी नु कह रहा तुम्हारे पैर छू रहा। अच्छा। और वैसे भी एक बात बता, जब आंटी सामने खड़ी है तो पैर छूने की क्यों कह रहा? छू के दिखाना, चल छू। अरे अरे बस खुश रहो खुश रहो। वैसे तुम लोग यहाँ आए हो, कुछ काम था? हम तो देखने हम तो छाय लेने आए थे। छाय? छाय छाय का क्या करना है? छाय को छाय जनरेटर में घेरेंगे। मतलब? अरे छाय की कड़ी बनाएगी आंटी, कड़ी बननी है घर पे। पर बेटा हमारे यहाँ दूध तुम्हारे घर से ही आता है, तुम्हारे यहाँ चार चार भैंसे हैं, छाय तो होगी। अरे आंटी देखो हमारी दो भैंस तो जो प्रेग्नेंट है, और एक भैंस माइके गई अपने बालकन लेके, और एक भैंस तो कल पापा ने बदतमीज किया थी तो गुस्सा होकर बैठी है, दूध ही ना दे रही। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही कह रहा मैडम यू, जैसे आने कही है ना बिल्कुल वही बात है कहती। अब आप एक काम करो फटाफट छाई ले आओ, कड़ी को लेट हो रहे हैं सब। ठीक है मैं देखती हूँ लेकर आती हूँ। अरे बाबू कौन मेरी? पता नहीं यार सुबह सुबह नींद भी खराब कर दी, बाहर भी ना आई। भैया हमारे भाभी लेटरिंग कर भी चली गई, नहीं तो पक्का बाहर आ जाती अब तक। वो देखो क्या कह रहा हूँ, मेरी बाबू लेटरिंग करती होगी। बाबू की लेटरिंग करती होंगी है? कहेगा बाबू को? मामा मामा मामा। ये लो बेटा बस इतनी छाए है, कड़ी तो बन जाएगी ना तुम्हारी? कड़ी हमारी थोड़ी ना, कड़ी तो पकौड़ा की है। और पकौड़ा यहाँ देख कर नू कहेंगे ओ माय गॉड इतनी सारी छाए, डुबकी लगा लेते हैं। चलो ठीक है आंटी जी, राम राम जी। ठीक है राम राम। अरे यार बाबू से तो मिल ही ना पाए, हमें तो पहले ही पता थी आंटी गेट खोले हैं। यार वाके घर भी होया और काम भी ना हुआ, अब कहाँ करेंगे छाए का? यार बोतल पे तो मैं वो गिफ्ट वाली चमकने वाली पन्नी ना आती वहाँ चढ़वाऊंगा और अपने तकिया के बगल में धर के सोई करूंगा। मेरे बाबू घर की छाया यू टेबल लैंप पे यू, जहाँ तकिया के बगल में धर के सो करूंगा। छाया का पिल्ला प्या दियो। ए यार प्यार की बड़ी कमी है थारी जिंदगी में, फीलिंग नाम की चीज ही ना है कतई। वो भैया फीलिंग भाभी तो दिखाई नहीं दी, चलो घर चल रहे। ना ना मैं ना जा रहा, मैं एक बार और जाऊंगा वहाँ घर, कहा पता जावे मेरे बाबू आ जावे। अरे ऐसे कैसे चले जाए भैया यार? अरे वो तो मैं बताऊंगा ना कैसे जाएंगे, तू आ मेरी गल आओ। कौन है? आ रही हूँ। अरे बेटा तुम? आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। चाची भाई रहे? बस 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 बस, ये बताओ अब क्या काम है, छाय खराब निकली है क्या? नाना जी छाय तो एकदम बढ़िया ही, बस थोड़ी खट्टी होगी, अब काम चल जाएगा कोई बात ना। पर मम्मी कढ़ी बनाने को बैठी तो बेसन खत्म होगा, अब बेसन लेने गए तो नत्थू की दुकान बंदी, तो अब मम्मी नु कह रही है कि छाय आंटी घर से आई है, तो अब बेसन भी आंटी घर से ले आते या हमारे आगे। बेटा एक बात बताओ, जब छाए नहीं है बेसन नहीं है तो कड़ी बनाने के पीछे क्यों पड़े हो, कुछ और बना लो ना।
अरे हुआ हुआ के हमारे घर जो ना हमारी बुआ आई है और उनका कड़ी खाने का मन है, और तुम्हारे होते हुए हमारी बुआ कड़ी ना खा पा तो तुम्हारा होना का ही फायदा आंटी। अच्छा ठीक है मंगा रही हूँ। खुशी खुशी मोले के तुम्हारी आवाज जाना रही दिखा, हम बुला रहे हैं खुशी। रुको रुको मैं ला रही हूँ। बर्तन लायो? ना ना बर्तन तो लाए। एक बार तुम्हारे बर्तन चले जाते कोई देने भी नहीं आता, जब लेने जाओ ना तुम्हारी मम्मी बोलती है तो बर्तन मेरे हैं। ठीक है अच्छा ला रही हूँ। बेटा बहुत इतरा रही है ना आंटी, इन्हें कहा पता एक दिन इनके बर्तन तो बर्तन इनकी लौंडिया भी हमारे घर जाएगी और कभी वापस ना आएगी। बर्तन की तरह। यार अगर बाबू बेसन ले आती ना तो तेरी कसम कड़ी खाने का मजा डबल हो जाता। बात तो सही है, और पता ना कौन मर के आई ना रही यार, पता ना ऐसी कैसी पढ़ाई कर रही है। ये लो और हमारा कटोरा वापस करके जाना। ठीक है ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। यार पता ना कैसे आके मम्मी बेर गेट खोलने आ रही है, वो क्यों आ रही? बोला गया यार कि मम्मी सखों को दिखे, बाकी मम्मी हमारा वहां भेजती ना गेट खोलने को। सखों को तो हम क्या करें, आज गेट पे ना भेज रही कल को विदा करके हमारे घर भी भेजनी पड़ेगी। तो यार बढ़िया दिखा दे करे ना थोड़ा थोड़ा चेहरा। वैसे भैया एक बात बताएं तुम्हें? हाँ बता। हमें लगत नहीं कि भाभी तुम्हारी सेटिंग है। क्यों? तुम यार उन्हें बाहर ही नहीं बुलाए पात, कड़ी पकौड़ा बेतन मांगत फिर रहे, एक हमारी सेटिंग अब यार फोन करते तो गोबर डालो एक बहाना तुरंत आ जाइए। सुन ले और शर्म कर ले थोड़ी। भाई बस एक बार और, बस लास्ट बार। अब कैसे जाएगा? वाकी मम्मी नू कही ना कि कटोरा देसी जो खाली करके तो वहां देने चल रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी जो तो ना सक और हो जाइए, वैसे खाली कटोरा नहीं दो जात। अरे यार वहां का मना तो चल रहे हैं ना, कटोरा तो भारी लगे मेरे भाई। जल्दी चलो। गेट पे क्या कर रही हो? अंदर आओ। हाँ भाई अब क्या चाहिए? कुछ ना जी, बस आपको कटोरा देने आए, मम्मी नू कह रही कि खाली कटोरा नहीं देते तो प्रसाद ले आए आपको। तो दो लो। अरे हाँ आंटी, मम्मी नू कह रही कि आंटी ने इतनी हेल्प करी है तो एक कटोरा कढ़ी भिजवा दूंगी तो दे आइयो, तो थोड़ी देर में देने आऊंगा। ठीक है आंटी। ठीक है जाओ। राम राम जी। देखी बस तभी मजा आ गया यार, देख के कैसी लग रही भैया जी? बढ़िया भाव, इतनी मेहनत करी दर्शन तो ही गए। हाँ यार माँ कसम इतना प्यारा फूल सवाल लगे ना मेरा, देख के मजा आ गया तुम्हारी कसम। हाँ हाँ बस बस। वैसे भाई वो बढ़िया तो लगे ना मेरी गल, वो इतनी गोरी है तेरी कसम, माँ के सामने तो मैं भी काला कौआ लगू। पर मेरी ना यार वासु हाय लो पाई गैल वा की मम्मी आ गई, मैं तो एक बार और जाऊंगा। भैया तुम पागल हो का? अब क्या करवे जाइयो? मो ना पता कुछ भी, मो तो वा की आवाज सुननी बस एक बार। पर अब जाएंगे कैसे? कड़ी लेके जाएंगे ना। पर भैया यार कड़ी आई है कहां से? रे कड़ी बनी तो है तेरे घर। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। अरे वो खुशी के टीचर ने बुलाया था ना, बस 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 अभी पहुंची हूँ 5 मिनट में। अरे शिल्पा। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना, मैं तो सब्जी लेने गई, तुम बताओ। ये ठीक किया आपने कि सब्जी ले आई। ए भाई तू ऐसे कैसे कह रही है, हमारी सब्जी ना आती? अरे वो बच्चे बता रहे थे ना कि छाए नहीं है, बेसन नहीं है, सब्जी भी खत्म हो गई है, इसलिए मैंने तो बोला। क्यों भाई कंगाल है हम? छह भैंस बन रही है हमारे, पूरे गांव में छाए बांटू मैं। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, आप ही के बच्चे आ रहे थे कि बेसन नहीं है, कड़ी बनानी है, छाए नहीं है, इतनी बार आ चुके हैं सुबह से। मेरे बालक आ रहे हैं, तेरे धो रहे। और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सुबह से 4 बार आ चुके हैं, मुझे तो लग रहा ना अभी भी आने ही वाले होंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना, भरोसा नहीं है ना मुझ पे? चलो देखो चल के, आते ही होंगे। चलो दिखाती हूँ मैं। ठीक है चल। चलो ऐसा कर तो ना सकते, पर अगर ऐसा कर दिया होएगा ना तेरे सामने पीटूंगी उन्हें। कर दिया होगा नहीं, कर दिया है, देखना भी आता होगा। ठीक
ए बाबू मेरी जान यार, तू कहां ही सुबह सू, मैं तेरे मारे चार भी ला लिया यहां, देर देर तेरी मम्मी मिल जावे गेट पे खड़ी। तू बोल क्यों नहीं कुछ? हाँ तो क्यों आते हो बार बार? ओ देखियो कैसे बोल लिया यू। बाबू मैं तेरे मारा तेरे घर बेसन बतासा कड़ी मार तो डोल लाऊ और तुम उससे ऐसी बात कर रही है? बाबू बोल ना, सुबह से सो रहा हूँ तब तो जाकर तू मिली है, अब भी बोल ना रही। तो मुझे नहीं पता कुछ भी, बार बार घर आने की जरूरत नहीं है। बाबू यार मेरी फोन पे बात तो सुना हो रही, मिल मैं ना पा रहा तो मैं घर ना हूँ और कहाँ करूँ, मर जाऊँ जाके? बाबू तू बोल क्यों ना रही, देख मैं तेरे मारे इतने प्यार सू कढ़ी बनवा के लाया, थोड़ी सी खा के देख, खा ले बाबू कढ़ी ना खानी तो एक काम कर, एक पकौड़ा ही खा ले। सपने में हो गया रे कमाल रात मेरा बहु आ गई, सपने में हो गया रे कमाल रात मेरा बहु आ गई, और मच गया रे गली में बवाल रात मेरा बहु आ गई, सपने में हो गया रे कमाल रात मेरा बहु आ गई। राम राम जी। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मो पक्की पता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी अगर किसी के में पहला पहला प्यार आया होगा तो ऐसी हरकतें जरूर करी होंगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपने ये वीडियो को अपने आप से रिलेट किया हो तो कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और लिखना कि हां जी भाई ऐसा हुआ था, ठीक है? तो बस डिट्टो लिख देना, डिट्टो। बाकी दोस्तों लैम्बोर्गिनी की बधाइयां देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसका जो कंटेंट है वो आता है हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं आता, तो प्लीज अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस या छोटी छोटी क्लिप्स रील्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आ जाओ हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा ओपिनियन होता है तो उसको गली नुक्कड़ है सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करो, डाउनलोड करो प्रोवो ऐप, मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे मिलेगा ₹25 का वेलकम बोनस, तो बस उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे, पहुंच जाओ फटाफट प्रोवो पे, और मिलते हैं जल्दी नई नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, राम राम जी।